या गणना का बोध कराते हैं। संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहे जाते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, इस कक्षा में 30 छात्र हैं। दशरथ के चारों पुत्रों का विवाह हो गया, मुझे दो दर्जन केले दो। भारत का प्रत्येक नागरिक ज्ञानी है। तो अब देखिए इन वाक्यों में 30, 4, दो दर्जन और प्रत्येक क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। किसकी संख्या बता रहे हैं? संज्ञा है, सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है। छात्र, 30, पुत्र, चार, केले, दो दर्जन, नागरिक, प्रत्येक, इनकी संज्ञा और सर्वनाम की ये क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं, ये संख्या बता रहे हैं। सॉरी, तो 30, चार, दो दर्जन और प्रत्येक शब्द जो है वो वाक्य में प्रयुक्त संज्ञाओं की संख्यात्मक विशेषता बता रहे हैं। संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण के लिए दो भेद किए जाते हैं, निश्चित संख्या बोधक विशेषण और अनिश्चित संख्या बोधक विशेषण। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, निश्चित संख्या बोधक यानी कि निश्चित संख्या बताएं और अनिश्चित संख्या बोधक यानी कि अनिश्चित वो संख्या। तो अब बात करते हैं पहले निश्चित संख्या बोधक की। इससे पहले आप परिमाणवाचक विशेषण पढ़ते आए हैं, जहां पर नाप, कोई मात्रा आदि की विशेषता बताई जाती है। तो वहां भी निश्चित भी नाप कोई होता है और अनिश्चित भी होता है। बिल्कुल दो किलो या कुछ बड़ा है, कुछ दूध बड़ा है, दूध में कुछ बड़ा है ना। तो जिस प्रकार हम परिमाणवाचक विशेषण के भेद पढ़ के आए थे, निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक, उसी प्रकार संख्यावाचक विशेषण के भी दो प्रकार के भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित के रूप में। तो देखिए बात करते हैं हम निश्चित संख्या बोधक विशेषण की। तो जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या, संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या, क्रम, समूह, इसको समुच्चय भी हम कह सकते हैं, आवृत्ति आदि का बोध कराते हैं। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या, क्रम, समूह, आवृत्ति आदि का बोध कराते हैं, वे निश्चित संख्या बोधक विशेषण कहे जाते हैं। अब देखिए हम उदाहरण लेते हैं, जैसे 5 छात्र, क्या हो गई छात्रों की संख्या हो गई 2 दर्जन, तो क्या चौथा लड़का, 2 गुना काम, 4 भाई, 1 सैकड़ा, प्रत्येक आदमी। तो देखिए यहाँ पे 5, 2 दर्जन, चौथा, 2 गुना, 4, 1 सैकड़ा और प्रत्येक, ये क्या है? ये निश्चित संख्या बोधक विशेषण है। क्या है? निश्चित संख्या बोधक विशेषण। आप देखें तो निश्चित संख्या बोधक विशेषण के संख्या के आधार पर इसके भेद भी किए जाते हैं। निश्चित संख्या बोधक विशेषण के संख्या के आधार पर भी भेद होते हैं। जैसे हमने ये उदाहरण देखे, तो ये उदाहरण प्रत्येक उदाहरण जो है तो भिन्न विशेषता रखता है अपनी। तो देखें जैसे गणना के आधार पर, गणना के आधार पर भी दो प्रकार की हो सकते हैं, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्यावाचक और अपूर्ण संख्यावाचक। अपूर्ण संख्या में तो पूरी संख्या हो, जहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 या जितनी भी हो पूरी हो, और अपूर्ण संख्यावाचक जैसे आधा, आधा, चौथाई, पौना, सवा, डेढ़, ये सब क्या है? ये अपूर्ण संख्याएं हैं। तो पूर्ण संख्यावाचक और अपूर्ण संख्यावाचक की गणना के आधार पर, फिर देखिए क्रम के आधार पर, क्रमवाचक जैसे क्रम बताए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आदि। फिर आवृत्तिवाचक यानी कि जहां पे आवृत्ति हो संख्या की, दुगुना, चौगुना आदि। फिर देखिए समुच्चयवाचक, समुच्चयवाचक कहेंगे या समूहवाचक कहेंगे हम। जैसे संसद के चारों पुत्रों का विवाह हो गया, तो उसमें कौन सा समुच्चयवाचक निश्चित संख्या, निश्चित संख्या बोधक विशेषण। हालांकि आपको ये उम्मीद नहीं बताने पड़ेंगे, ये तो केवल आपके समझने भर के लिए है। आपसे भी पूछा जाएगा तो संख्यावाचक विशेषण कि भाई कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है
परिमाणवाचक विशेषण है, ये संख्यावाचक है तो निश्चित संख्यावाचक है कि अनिश्चित संख्यावाचक है, बिल्कुल ये आपको उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। तो ये जो संख्यावाचक विशेषण के जो उपभेद है वो सिर्फ और सिर्फ आपके समझने भर के लिए है ताकि आपको अच्छे से समझ में हो जाए। तो समुच्चय वाचक या समूहवाचक भी हम उसको कह सकते हैं, दोनों, तीनों, चारों आदि। फिर देखिए बात करते हैं हम प्रत्येक वाचक, जैसे हम कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति, उदाहरण लिया था भारत का प्रत्येक नागरिक क्या है, ज्ञानी है, भारत का प्रत्येक नागरिक ज्ञानी है। तो जैसे हर एक, प्रत्येक या प्रति आदि जो होते हैं वो प्रत्येक वाचक कहलाते हैं। तो ये क्या है, ये भी निश्चित संख्या बोधक विशेषण है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण का निश्चित संख्या बोधक विशेषण जो है तो वो वीडियो थोड़ा अलग बना, ये छोटा सा वीडियो बिल्कुल आपको ये दोनों वीडियो एक मान करके और आप